हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मौशमी मिनी पार्क से और उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब देख रहे हो, मेरा गार्डन फिर से एक नए लुक में, और इस नए लुक को क्रिएट करने के लिए कुछ DIY किया है मैंने, और वो कुछ हद तक मैंने पहली बार भी किया है। तो कैसे करा है वो तो दिखाना आप लोगों के साथ बनता है। वैसे तो ये नया कुछ नहीं है, यूट्यूब में हमेशा आप लोगों को इस टाइप की DIY देखने को मिलेगी, लेकिन मेरे गार्डन में पहली बार मैंने इसको ट्राई करा है, तो ये तो आप लोगों के साथ शेयर करना बनता है। तो मैंने आज इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ एक ट्री स्टम्प वाली प्लांटर, वो कैसे मैंने बनाया है। तो चलो उसको दिखाते हैं। और इससे पहले कि मैं वो दिखाऊं, पहले ही बोल दूं, पहली बार ये ट्राई करा है तो इसकी पूरी वीडियो मैंने नहीं बना पाई क्योंकि करते करते बहुत ही मेसी हो गया था, तो पूरा वीडियो मुझसे नहीं बना। तो जो कुछ बनाया है वो दिखाते हैं। तो ऐसे कुछ मिट्टी के प्लांटर और दो प्लास्टिक के कंटेनर, एक PVC की पाइप, तो कुछ इस तरह मैंने इसको अरेंज करा है ताकि इसको एक ट्री स्टम्प वाली लुक दे सकूं। और इसके लिए मुझे चाहिए पुराने टॉवल और सीमेंट के घोल, कुछ गाढ़ा टाइप की सीमेंट के घोल मैंने बना रखी है, और ये पुराना टॉवल लिया है। तो मुझे क्या करना है, इस घोल में वो टॉवल भिगोना है, फिर इसको लपेटना है, और उससे पहले मैं प्लास्टिक से इसको ऐसे लपेटा है क्योंकि मुझे प्लांटर बनाने के बाद ये सब कंटेनर्स हटानी है नीचे से, तो आसानी से वो निकले, तो प्लास्टिक से उसको ऐसे लपेटना होता है। तो पहले ये जो टॉवल्स वो मैं भिगो के रखती हूँ कुछ देर के लिए, उसके बाद ये सीमेंट से भिगाया हुआ जो टॉवल्स वो जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है उसके साथ लपेटना है। और इसके बाद चीज़ें थोड़ी मेसी होने वाले हैं तो मुझे उसकी वीडियो नहीं बनाना हुआ। तो इस टाइप की जो ट्री स्टम्प वाले प्लांटर मैंने बनाया है, जो ड्रेनेज होल्स देख रहे हो, लपेटने के बाद वो टॉवल मैंने कैंची से कट कर दिया था, उसके बाद 24 घंटे लगे इसको सूखने में, और सूखने के बाद इसको फिर से सीमेंट के घोल से मैंने ब्रश करा है, और उसके बाद इसको कलर करा है। तो इस टाइप की 4 पॉकेट वाले एक ट्री स्टम्प वाले प्लांटर मैंने बनाया है। तो चलो ये सब प्लांट्स इनमें मैं लगाऊंगी। कुछ ड्रेसिना लिया है, और भी कुछ प्लांट्स मैं लगाने वाली हूँ। तो ये है गोटूकोला, और यहाँ पे भी कुछ गोटूकोला और ड्रेसिना लिया है, और पीछे विन का लगा दी है, एक पर्पल वाले और एक वाइट वाले, और यहाँ पे भी एक ग्रीन ड्रेसिना और टेंगल हार्ट, और पीछे और एक प्लांटर सीमेंट से बनी है, और वो बाल्टी उल्टा करके मैंने छोटे से एक टॉवल के साथ को बनाया है। तो यहाँ पे है मनी प्लांट। तो कुछ इस तरह मैंने ये DIY करा है, और ऐसे इस लुक को मैंने क्रिएट करा है। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है वो तो मुझे कमेंट से ही पता चलेगा।
होप करती हूँ आप लोगों ने पसंद करा हो। तो फ्रेंड्स फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय।